हेलो एवरीवन, आज का सेशन है स्टीम नोज़ल। तो चलिए शुरू करते हैं। नोज़ल के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के बाद में देखेंगे। पहले शुरू करते हैं कि देख यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पैसेज है, जैसे कि ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये नोज़ल है, एक टाइप ऑफ अ नोज़ल है। क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, तो यहाँ से ये क्लियर है। वेरिंग क्रॉस सेक्शन इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी, कहीं कहीं पे प्रेशर एनर्जी भी होता है और कहीं कहीं पे हीट एनर्जी भी होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टारगेट ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है या फिर प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को बनाना टारगेट है ना। तो ये प्रेशर एनर्जी या हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, जेट इंजन, रॉकेट, और भी बहुत सारे जगह पे इसका एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद क्या है कि इट इंक्रीजेस द, क्या होता है, वेलोसिटी जो है इसकी इंक्रीज करती है और प्रेशर डिक्रीज करता है। इनलेट के टाइम पे क्या होता है, इनलेट के टाइम पे हाई प्रेशर होता है ना, और लो वेलोस सॉरी हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी इनलेट के टाइम पे होती है, और एग्जिट के टाइम पे हाई वेलोसिटी हो जाती है और लो प्रेशर हो जाती है। ठीक है, ये कन्वर्जन टाइप ऑफ नोजल के लिए है। डाइवर्जन के लिए भी ये क्रॉस सेक्शन जब डिक्रीज कर रहा है तो दैट इज कन्वर्जन, एंड क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पर और भी सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एस फॉर एग्जांपल, जैसे मैक नंबर है, मैक नंबर जो होता है कन्वर्जन टाइप के लिए हमेशा लेस देन वन होता है, डाइवर्जन टाइप के लिए ग्रेटर देन वन होता है। आप बताएंगे कि मैक नंबर क्या है, तो मैक नंबर एग्जाम में नोजल से तो नहीं आएगा, अगर आ सकता है तो व्हाट इज मैक नंबर। तो मैक नंबर इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस पैसेज के थ्रू, इस नोजल के थ्रू जो भी स्टीम या फिर गैस या फिर वाटर फ्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी टू द स्पीड ऑफ एयर, सॉरी स्पीड ऑफ अ साउंड इस टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड की स्पीड होगी टू द वेलोसिटी ऑफ दिस, उसके स्टीम जो भी पास करेगा यहाँ से, उसकी वेलोसिटी दोनों का रेशियो है, ये मैक नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है। कन्वर्जेंट नोजल का यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, डाइवर्जेंट के लिए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि ऐसे जगह पर जहाँ पे हाई वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे हाई वेलोसिटी होनी चाहिए और मैक नंबर बड़ा होना, ज़्यादा होना चाहिए, इट मीन्स कि साउंड की जो भी स्पीड होगी, साउंड की जो भी स्पीड होगी वहाँ पे, वो हमेशा क्या कहते हैं, लेस देन इसके थ्रू पास करने वाले स्टीम या गैस की होनी चाहिए, है ना, तभी मैक नंबर ग्रेटर हो जाएगा ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये सारे सारे एप्लीकेशंस इसके यहाँ पे आते हैं। याद करने वाली चीज़ें और भी जो मैंने अभी आपको बताया है, जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, यही है कि हाई प्रेशर पे एंटर, लो वेलोसिटी, ये दोबारा मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट, जब दो नोजल को कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कंबाइन किया गया तो ये कहला जाता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप ऑफ, या थर्ड टाइप ऑफ अ नोजल है। पहला दूसरा आप देख चुके हैं, ये थर्ड टाइप ऑफ है। यहाँ पे क्या होता है कि ये सबसोनिक, ये पैसेज जो है सबसोनिक कहलाता है। ये जो है थ्रोट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये थ्रोट है, थ्रोट एरिया, थ्रोटल एरिया, ये कहलाता है सुपरसोनिक, ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे मैक नंबर इज लेस देन वन दैट इज सबसोनिक, मैक नंबर इज इक्वल टू वन दैट इज सोनिक, एंड मैक नंबर इज ग्रेटर देन वन इज सुपरसोनिक। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हाई वेलोसिटी एग्जिट एट ए हाई हाई वेलोसिटी, जब एग्जिट के टाइम पे हाई वेलोसिटी होनी चाहिए इन केस ऑफ अ कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप ऑफ नोजल, या नोजल की फंक्शन ही यही है कि हाँ कि वेलोसिटी जो होती है एग्जिट के टाइम पे हाई होती है। ये चीज़ ना आप याद रखेंगे, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसे।
तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या था, आपका प्रेशर या हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रहा था इन केस ऑफ अ नोजल, बट इन केस ऑफ अ डिफ्यूज़र क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट या रिवर्स कह लो, यहाँ पे क्या होता है कि हीट एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी या फिर प्रेशर एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर केस है, हाई वेलोसिटी यहाँ पे हाई होती है इनलेट के टाइम पे, और प्रेशर जो है लो प्रेशर होता है एग्ज़िट के टाइम पे। एग्ज़िट के टाइम पे क्या हो जाता है, लो वेलोसिटी होनी चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए इन केस ऑफ अ डिफ्यूज़र। और डिफ्यूज़र के लिए बेस्ट एग्जांपल आपका आ जाता है रेडियल फ्लो डिफ्यूज़र में आएगा, पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप आप याद रखेंगे। तो इसके लिए ये सबसोनिक हो जाता है और ये सुपरसोनिक दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबसोनिक है, सबसोनिक का केस यहाँ पे, ये सुपरसोनिक इन केस ऑफ अ डिफ्यूज़र, ये जस्ट अपोजिट ऑफ अ नोजल होता है। नेक्स्ट आते हैं इफ़िशेंसी ऑफ अ नोजल। अब जो पढ़ना है आपको, जो भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन देखते हैं, वो इसी पे होता है। एफिशिएंसी ऑफ अ नोजल अगर है मान लो वहाँ पे, तो क्या होता है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। मतलब समझ में आया क्या? नहीं अगर समझ में आया है या फिर टाइम नहीं है आपके पास उतना बुक्स देख के तरफ देखने के लिए, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एच एस डायग्राम पे दिखाया गया है, लिखा हुआ है कि देखो ऐसे नोजल होता है ना, ये नोजल है आपका, ये थ्रोटल एरिया है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए मैं दिखा रही हूँ, ये थ्रोटल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 2 जो है, 1 इनलेट के टाइम का है, इनलेट के टाइम को 1 से दिखाया गया है, इनलेट के टाइम सपोज एंथैल्पी है, ठीक है, एंथैल्पी को 1 से दिखाया गया है, थ्रोटल एंथैल्पी को 2 से दिखाया गया है और एग्जिट के टाइम को 3 से दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे इस केस के लिए। तो यहाँ पे होता यह है कि 1 to 2, 2 to 3, तो 1 है इनलेट का टाइम का एंथैल्पी, 2 जो है थ्रोट के टाइम का एंथैल्पी, और ये जो 3 है ये आपका एग्जिट के टाइम का एंथैल्पी है। तो इस टाइप से ये दिखा दिया गया, इन ये जो है, ये जो दिखाया गया है ये आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी है, ठीक है, 1, 2, 3, सिंपल समझ में आ गया आपको। फिर क्या आता है कि मेरे को क्या दिखाना है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप नोजल के अंदर जो होता है फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉसेस होते हैं। तो देखो 1, 2, 2 ना होकर फिर 3, ये 3 डैश जो दिख रहा है आपको यहाँ से, यहाँ पे 3 डैश मैंने दिखाया है, ये 3 ना होकर 3 डैश, यहीं पर ग्राफ रुक गया। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू लॉसेस। लॉसेस किस लिए हुए, देखो ये यहाँ पे नोजल दिख रहा है आपको, थ्रोटल टाइम पे इस एरिया यहाँ से लेके यहाँ के बीच में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं और ये फ्रिक्शनल लॉसेस होता है ड्यू टू फ्लूड, और इसके वॉल के वजह से फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से लॉसेस होते हैं, और लॉसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस पैसेज के लिए, ठीक है, इस नोजल के लिए। अगर लॉसेस नहीं होंगे तो इसकी इफ़िशियंसी हमें जो चाहिए, जितने इफ़िशियंसी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इफ़िशियंसी इस केस के लिए अच्छा होता है इन फॉर दिस नोजल। तो समझ में आपको कि क्या हो गया, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप क्या होता है, इस ग्राफ को देख के समझ में आया। ये जो ग्राफ मैंने ये वाला भी आपको बताया हुआ है, ये सैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड रीजन के लिए, और ये जो है
सुपर हीटेड रीजन। तो सुपर हीटेड आप समझते हैं ना, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड लाइन है, ये सुपर हीटेड रीजन है, ये वेट रीजन कहलाता है, ठीक है ना। ये HS डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए एफिशिएंसी, और फिर सिमिलर है ये सुपर हीटेड स्टीम के लिए एफिशिएंसी यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पे है, द एनर्जी लॉस इन द फ्रिक्शन इज ट्रांसफर्ड इन टू हीट विच इज टेंड्स टू ड्राई और सुपर हीट द स्टीम। तो आपने आगे कभी कभी क्वेश्चन में देखा होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम क्या है, वहाँ पर यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज करता है और सुपर हीटिंग भी होता है, जो कि अगर आप अभी आपको आगे भी पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको इससे। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट आता है एंथैल्पी और हीट ड्रॉप ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो आपने ये देखा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी क्या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और एडियाबेटिक हीट ड्रॉप, ठीक है, को इक्वेट करने के बाद जो ये वेलोसिटी जो होता है, एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट के टाइम का वेलोसिटी जो है वो यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे जो के है ना, ये इफिशियंसी है, जो इफिशियंसी अभी आप देखें यहाँ पे निकला है वही इफिशियंसी है, के मीटर पर सेकेंड में ये एग्जिट वेलोसिटी आ गई। ये एंथैल्पी क्योंकि किलो जूल पर केजी में था, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और V1 को यहाँ पे निग्लेक्ट किया गया है क्योंकि इनलेट के टाइम पे जो वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, और एग्जिट के टाइम पे ज़्यादा होती है, इसलिए V1 को यहाँ पे इग्नोर करा गया है। तो यहाँ पे निकल गया यहाँ से। फिर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज टू रिड्यूस द अवेलेबल एंथैल्पी ड्रॉप बाई सॉरी अबाउट 10 to 15%। तो यहाँ पे एंथैल्पी ड्रॉप कितना होता है, 10 से 15% के आसपास जो है तो वो डिक्रीज कर जाता है। और ये भी क्वेश्चन में है, सारे के सारे जो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इसी पे से है। फिर है कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, नोजल का वर्क क्या है, मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, हमें वर्क डन ज़्यादा मिले, है ना, हाई वेलोसिटी है, हाई वेलोसिटी कहने का मतलब यही होता है ना कि जब आपका एग्जिट हो वहाँ पे जो भी है स्टीम है या फिर वाटर है या फिर और भी जेट, वो होता है कि डिस्चार्ज जो है क्यू जो है हमारा मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन यही है कि P2 by P1, ये P2 क्या है, प्रेशर एट थ्रोट डिवाइडेड बाई P1 इनलेट का प्रेशर, ये यहाँ पे इससे दिखाया गया है, प्रेशर एट थ्रोट टू द प्रेशर एट इनलेट इज इक्वल्स टू ये वाला कंडीशन। अब इसको तो निकालने के लिए आपके बुक में बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हो, तो एक्सप्रेशन तो यहाँ पे बैठ के लिखेंगे नहीं, है ना, सोचिए, आप बुक में जाइए, आप बुक के एक्सप्रेशन को देखिए, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन एग्जाम में नहीं आता है, आपके कॉम्पिटिटिव मतलब कि आप क्या बोलते हैं, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में भी एक्सप्रेशन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम, सॉरी बोर्ड नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे ही आया होगा, बाकी ये एक्सप्रेशन नहीं आता है। अगर आता भी है तो कुछ एक पॉइंट से, अगर तो वो ES में आता है, अगर आता भी है तो, ठीक है, इसमें नहीं आता है, SSC के एग्जाम में नहीं आएगा। और ये मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है, सॉरी ये सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज पर सेकेंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मैंने लिखा है क्योंकि हो सकता है कि ये पूछ दे, ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। वैसे इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, ये हर स्टीम के लिए वैरी करता है, जैसे कि जब गामा सॉरी n इज इक्वल्स टू 1 लिया गया यहाँ पे, उसके लिए प्रेशर कितना हो जा रहा है, एयर के लिए सॉरी एयर के लिए क्रिटिकल प्रेशर प्रेशर रेशियो जो होता है P2 by P1 हो जाएगा इतना, मतलब कि n का वैल्यू जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो P2 by P1 जो वैल्यू होगा इतना आएगा, वेट स्टीम के लिए इतना आएगा। ये एक्सप्रेशन आप पूरा का पूरा जो है रट रट मार रट्टा मार लेंगे,
ये जो है ना सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, चारों, ठीक है। वेट स्टीम के लिए, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए, सुपर हीटेड के लिए। फिर क्या है नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ अ स्टीम एट द थ्रोट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, जो कि क्या होता है, गामा आर टी, वो याद रखेंगे आप, रूट अंडर गामा आर टी। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला, आप याद रखेंगे रूट अंडर गामा आर टी, मैंने बोला है अभी, इसके लिए। नेक्स्ट आता है ये वाला जो पॉइंट है ना, इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि होता ये है, ये नोजल है, यहाँ पे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐसे है कि स्टीम जो है वन पॉइंट से ए पॉइंट पे गया, ये सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। अब इसका जो फेज है वो चेंज होना चाहिए, ए टू टू में ये वेट रीजन है ना, ये वेट है ना, ये सुपर हीटेड था, ये सुपर हीटेड है और अब ये वेट है, तो ए टू टू चेंज होके वेट होना चाहिए ना, फेज चेंज होना चाहिए इसका। तो होता यही है कि वन पॉइंट वन से ए तक जो है वो सुपर हीटेड है, ठीक है, और ए टू पॉइंट टू जो है एग्जिट के टाइम, सपोज ये एग्जिट है, यहाँ पे वेट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट प्रैक्टिकली क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट जो होता है सुपर हीटिंग ही होता है, सुपर हीटिंग ही होता है। और रीजन रीजन क्या है, रीजन सिंपली यही है कि हाई वेलोसिटी और लेंथ जो है इसका स्मॉल होने के कारण, इंटर के टाइम पे क्या होता है, इसका लेंथ स्मॉल होता है, एग्जिट के टाइम का जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप ऑफ नोजल आप पढ़े हैं तो उसमें क्या है कि कन्वर्जेंट का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू डाइवर्जेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल लेंथ एंड हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी हो जाती है, ये क्या करता है कि इसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता है फॉर द कंडेंसेशन, यानी कि उसे फेस चेंज करने का टाइम बचता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट एक्सपेंशन कर जाता है, एक्सपेंशन ही होता है, कंडेंसेशन नहीं होता है यहाँ पे। और इसलिए ये सुपर हीटिंग, सॉरी सुपर सैचुरेटेड रीजन कहलाता है यहाँ पे। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ आपको, द पॉइंट एट विच कंडेंसेशन अकर द स्टेट ऑफ स्टीम इज नाइदर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, द स्टीम इन दिस कंडीशन इज सेड टू बी मेटास्टेबल स्टेट और सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ये जो स्टेट होता है, क्योंकि ये जो स्टीम है यह कंडेंसेशन नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो ये जो स्टेट कहलाता है मेटास्टेबल या सुपर सैचुरेटेड स्टेट कहलाता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इससे भी। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सुपर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर इज नोन एज डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। अब ये देखते हैं क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं वन टू ए, ए टू टू, ये जो है ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टीम के एक्सपेंशन को, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, ये कहलाता है सुपर सैचुरेटेड एक्सपेंशन यहाँ से, ये पॉइंट पी एक्स दिख रहा है, सुपर सैचुरेटेड एक्सपेंशन के टाइम का प्रेशर है और ये टाइम है, यहाँ पे टी एक्स से दिखा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि मुझे पॉइंट समझाना है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बताने का मकसद बस इतना ही है, बाकी आप बुक में अच्छे से वहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं,
मुझे क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अ सुपर सैचुरेटेड एंड द सैचुरेटेड एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। सो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग इज टी टू माइनस टी एक्स। अभी यहाँ पे ये वाला टाइम टी टू और ये वाला टाइम टी एक्स, दिस इज टी टू माइनस टी एक्स, ये कहलाता है डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप? रेशियो ऑफ अ प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड्स टू सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन के लिए पी टू बाई सैचुरेशन प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी एक्स। तो यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं, ये वाला पॉइंट ये हो गया, पी एक्स जो है सैचुरेशन प्रेशर है, ठीक है, और ये पी टू। तो ये पी एक्स जो है यहाँ पे लिखा है ना, पी टू बाई, देखो पी टू बाई सैचुरेशन प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड्स टू टी एक्स। तो इसके टी एक्स से कॉरेस्पॉन्ड्स टू जो प्रेशर है यानी कि पी टू बाई पी एक्स, वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। फिर नेक्स्ट आता है ये जो है आप पॉइंट याद रखेंगे कि एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज करता है इस केस के लिए। ओके, तो ये आप कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन जल्दी आएगा और अगला सेशन होगा स्टीम टरबाइन से, ठीक है? ओके, थैंक यू।